हाउ लॉन्ग इट टेक द अर्थ टू मेक वन कम्प्लीट रोटेशन अराउंड इट एक्सिस, जमीन को अपने महवर के गिर्द एक मुकम्मल गर्दिश करने में कितना वक्त लगता है, 24 hours और 1 day. इफ़ वी लुक एट द सेम इमेज ऑफ द ग्लोब, लेकिन जब सबसे ऊपर देखें तो ज़मीन घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रही है, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड द नॉर्थ पोल. अगर हम गर्दिश के इस महवर को ज़्यादा गौर से देखें, वी सी दैट टिल्टेड रिलेटेड टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. इंस्टेड ऑफ बींग परपेंडिकुलर इट्स टिल्टेड 23.5 degrees. So question is, how long does it take the earth to make one complete orbit around the sun? Zameen ko suraj ke gird ek mukammal madar banane mein kitna waqt lagta hai? So the answer is 1 year, means 365 days. During earth orbit around the sun, it follows a nearly circular path, but a small elliptical centricity. द अर्थ इज़ नॉट सेंटर ऑफ एलिप्स, लेकिन फोकल पॉइंट में एक बॉटम लाइन है. जनवरी में ज़मीन सूरज से थोड़ी करीब है और जुलाई में थोड़ा सा दूर है. दैट दैट कॉजेज अस टू हैव द सीजन. सो लेट्स टर्न टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इट गोज थ्रूली 365 daily रोटेशन, वाइल द एक्सिस मेंटेन्स इट्स टिल्ट on the June 22nd solstice. What is solstice? The point where the sun appears to reach either its highest to lowest point in the sky for the year. Solstice mean wo maqam jahan suraj pure saal mein aasman mein sabse oonche aur nichle maqam tak pahunchta hai. The tilt causes north pole to face towards the sun. Qutb shimali ka rukh suraj ki taraf karta hai. और जब ज़मीन का मदार इसे दिसंबर तक पूरे रास्ते में ले जाता है, द नॉर्थ पोल इज नाउ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड साउथ पोल टूवर्ड्स द सन. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द नॉर्थ एक्सपीरियंस विंटर इन जनवरी एंड द साउथ पोल इज एक्सपीरियंस समर इन जून. क्यों शुमाली कुतुब जनवरी में सर्दियों का तजर्बा करता है और जनूबी कुतुब को जून में गर्मियों का सामना करना पड़ता है? सो बेसिकली जो हमारे पास नॉर्थ पोल है इज अवे फ्रॉम द सन, सूरज से ये दूर है और इसे कम सूरज की रोशनी मिलती है. और इसी तरह जो हमारे पास साउथ पोल है इज टूवर्ड्स फ्रॉम द सन, ये सूरज की करीब है और इसे ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलती है. आइए इसको मज़ीद मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मज़ीद करीब से देखते हैं कि सूरज की किरणें कैसे ज़मीन से टकराती हैं. तो सबसे पहले जुलाई और जनवरी के आधे रास्ते को देखते हैं. ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर 23rd इक्विनॉक्स द टिल्ट कॉजेज नॉर्थ पोल टू फेस अवे और टूवर्ड्स द सन. जैसा कि ज़मीन हर 24 घंटे में घूमती है, तो ज़मीन की सतह को 12 घंटे रोशनी मिलेगी, जिसे हम दिन कहते हैं, और इसी तरह 12 घंटे अंधेरा मिलेगा, जिसे हम रात कहते हैं. 12 hours of day and 12 hours of night, equally length of day and equally length of night. और जैसे ही सूरज की किरणें दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द इक्वेटर डायरेक्टली इन द मिडल वेयर दे हिट आ 90 degree एंगल. जब ज़मीन दिसंबर 22nd सोल्स्टिस की तरफ बढ़ती है, तो नॉर्थ पोल ज़मीन से मज़ीद दूर हो जाता है. द सन रेज आर नाउ हिटिंग डायरेक्टली एट 23.5 degrees. गौर करें, साउथ पोल पर एंटार्कटिक सर्कल के अंदर हर मकाम पर 24 घंटे सूरज की रोशनी मिलती है. व्हाट इज एंटार्कटिक सर्कल? एंटार्कटिक इज इमेजिनरी सर्कल अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर. चूँकि ज़मीन घूमती है, इन में से किसी भी जगह पर सूरज की रोशनी की कमी नहीं होती. ये साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मियों का मौसम पैदा करती है. जैसा कि हम देखते हैं, अर्थ कंटिन्यू इट्स ऑर्बिट, द अर्थ टिल्ट अगेन मूव द सन. ज़मीन सूरज की रोशनी और अंधेरे को बराबर तकसीम करने वाला सियारा है. द इक्वेटर वंस अगेन रिसीव्स द डायरेक्ट सनलाइट. द जून 22nd सोल्स्टिस
हम देखते हैं कि टिल्ट मूव द नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द सन, ताकि नॉर्थ पोल को हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा घंटे सूरज की रोशनी हासिल हो। एज वी कंटिन्यू टू वॉच दिस प्रोसेस, नॉट दैट ईच सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स रिप्रेजेंट ऑपोजिट द सीजन्स इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर, द विंटर सोल्स्टिस इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इज द समर सोल्स्टिस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर।